देना चाहूँगा। एक ये थर्ड सीज़न है और बहुत अच्छा लगा मुझे। आफ्ताब जी हैं, अली कुली हैं, मैं हूँ और ज्योति ने मुझे इनवाइट किया था, तो आज हमको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे अवार्डीज को यहाँ पे अवार्ड दिया गया, गाउन पहनाया गया, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर कंट्री से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो डॉक्टर नीलम जो है बहुत मेहनत करती हैं और ये समझिए ये एक फैशन शो करने के लिए ये पूरे साल की मेहनत होती है। मैं समझ सकता हूँ इन्होंने कितनी मेहनत की होगी, कितने लोगों को इकट्ठा किया होगा, कितना बड़ा काम है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत इंडस्ट्री से, हमारी इंडस्ट्री से बहुत क्लोज हैं। इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। रजा मुराद जी भी आए थे और वो इस वक्त चंडीगढ़ में नहीं, तो वो भी आए थे। अमन वर्मा जी भी आए थे। तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे बहुत सारी इनके बारे में लोग जान रहे हैं कि एक नेक काम कर रहे हैं, एक सोशल काम कर रहे हैं विदाउट कॉज, तो ये बहुत अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट कहूँगा मैं इनको। और इसी तरीके से ये ऐसे प्रोग्राम करती रहे, हम सब लोगों का सपोर्ट जो है इनके साथ है। और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार डॉक्टर नीलम जो ये प्रोग्राम हमारे इलाके में लोखंडवाला साइड में रखें, हम लोगों से जो भी मदद होगी, जो हेल्प होगी वो करेंगे। ये सब प्रश्न के जवाब मैं बाद में दूंगी, बिकॉज इवेंट चालू है। मैं सर को थैंक यू कहना, आई यू स्पेशल थैंक यू, अली खान सर ने टाइम निकाला और हमारे लिए खास आए, तो थैंक यू सो मच सर। वी आर रियली थैंक यू सो मच। यू कैन कंटिन्यू। और बहुत अच्छी फिल्म बनी है, अनिल शर्मा जी ने पूरी मेहनत की इसमें, सारे कलाकारों ने, सनी देओल जी ने, अमीषा पटेल जी ने और अनिल जी के जो बेटे हैं, बड़ा खूबसूरत रोल किया उन्होंने। और टीनू वर्मा जी का एक्शन जो है बहुत ज़बरदस्त है। तो बस इस फिल्म के लिए आप सबकी दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच। और अभी जिमी सरगिल के साथ भी कोई आपने? हाँ, जिमी सरगिल जी के साथ आज़म एक फिल्म है जो अभी रिलीज पे है 19 मई को, और ये फिल्म बहुत खूबसूरत बनी है, अंडरवर्ल्ड पे है। और ये तिवारी जी इसके जो डायरेक्टर हैं, पटेल साहब हैं सूरत के, जो दुबई में रहते हैं, वो प्रोड्यूसर हैं। और ये फिल्म भी वाकई बहुत अपने आप में एक मिसाल कायम कर देगी। इस साल की सुपर डुपर हिट फिल्म होगी आज़म। तो आप सब लोग देखिए, सपोर्ट कीजिए, दुआएं दीजिए। सर एक चीज क्या चीज़ को भाई, मैं अभी जब तक मैं फिल्म देखूंगा नहीं, मैं कुछ कमेंट कर नहीं सकता हूं। मैंने सुना, अखबारों में पढ़ा, टेलीविज़न पर देखा, लेकिन मैं इस फिल्म को जब देखूंगा तब इस पर कुछ कमेंट्स कर सकता हूं। आज का हमारा जो इवेंट है बहुत ही सक्सेसफुल रहा, और सक्सेस होना ही था जब आफ्ताब शिवदासानी जी ने हमें सपोर्ट किया है। आई एम रियली तहे दिल से, आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर कमिंग ऑल द वे, फॉर मेकिंग आवर इवेंट अ ग्रैंड सक्सेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा बन गया, और नीलम जी थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। आई एम ग्लैड कि मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर पाया, एंड यू नो बहुत ही नेक काम कर रही है, एक बहुत ही नोबल कॉज है जो यू नो डिफरेंटली एबल्ड लोगों की सहायता कर रही है। और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, जितना हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं करना चाहिए। एंड आई एम जस्ट ग्लैड टू बी हियर, एंड आई एम जस्ट ग्लैड टू बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फ्रॉम द टॉपाज इवेंट्स, मिस एंड मिसेज रॉय, ग्लोबल क्वीन एंड किंग, एंड ऑल्सो दैट यू हैव सपोर्टेड आवर फिजिकली हैंडीकैप ट्रस्ट टुडे। वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू फॉर ऑल योर काइंड सपोर्ट। गॉड इज काइंड, गॉड इज ग्रेट, एंड थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस वंडरफुल नोबल कॉसेस एंड पैजेंट्स। थैंक यू सो मच। इट्स अ नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वेयर वी आर डूइंग नेशनल इंटरनेशनल इंटीग्रेशन अलॉन्ग विद वुमेन एम्पावरमेंट फॉर अ सोशल कॉज ऑफ हेल्प the downtrodden. Yes, thank you. My best thank wishes you. To you and all the best and more power to you. Thank you. Thank you so much. जी नहीं, एक हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और मतलब यहाँ पर हम इंसानियत के तौर पर आए हैं, एक अच्छे कोर्स के लिए आए हैं, और इन सब लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, और बस उनको सपोर्ट करते हैं, और साइलेंटली हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। आपकी दुआएं होगी तो बेटर है, और यही चाहते हैं कि वो खुश रहे और प्यार भरी ज़िंदगी हो। जी एक मैंने हाल ही में एक फिल्म की जिसका नाम है रिवाज, वो आएगी इस साल आएगी,
और दो तीन चीज़ें और हैं जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्द आपको मैं खुशखबरी दूँगा। All your fans are just waiting to see you again on the big screen because you are a treat to heart, minds and soul. Thank you so much. Thank you. यार मैं तो नीलम जी को सपोर्ट करने के लिए आया था, लेकिन जब मुझे पता लगा कि नीलम जी जो है हैंडीकैप बच्चों को लोगों को सपोर्ट करती हैं तो मैं बहुत भावुक हुआ एंड आई एम सो हैप्पी टू बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। नीलम जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं और आई विश हर दैट इनकी ये जो अवार्ड्स हैं, फैशन है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, बिकॉज उससे ये गरीब बच्चों को और हैंडीकैप लोगों को सपोर्ट करती हैं एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग इवेंट। थैंक यू। आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे प्लेस पर आने के लिए बहुत खुशी तो होती है बिकॉज आप ऐसे आम तौर की ज़िंदगी में हैंडीकैप चाइल्ड पर, या क्योंकि हम अपनी ही लाइफ में बिजी होते हैं, खुद के सर्वाइव करने के लिए ही काम करते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं। तो नीलम जी मानती हैं कि हम सभी को मिलकर के ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो सक्षम नहीं है। तो हम जो सक्षम हैं उनको उन लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो सक्षम नहीं हैं और सक्षम बने। तो यहाँ पर वो इस तरीके से कुछ हैंडीकैप चाइल्ड्स की हेल्प करती है, कुछ ऐसी हाउसवाइफ्स को मोटिवेट करती हैं जो सिर्फ घर पर बैठकर सपने देखती हैं लाइफ में कुछ करना है, बट उनका कॉन्फिडेंट इतना नहीं होता है कि वो स्टेज पर आकर के लोगों के सामने कुछ परफॉर्म कर सके, बात कर सके, या बॉलीवुड तक आकर के यहाँ की माया नगरी को जान सके, या उनके साथ बात करने की कैपेसिटी। तो ये उनको बहुत कुछ सिखाती हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, और हमें बेहद खुशी होती है कि ऐसे लोगों की हम हेल्प कर सकें। तो आई जस्ट बिलीव इन दैट कि हेल्प टू ईच अदर एंड जस्ट अप्रिशिएट टू विमेन एम्पावरमेंट एंड रिस्पेक्ट फॉर विमेन। एंड थैंक यू डॉक्टर नीलम पराड़िया कि आप इस तरीके से सभी की हेल्प करते हैं। अमेजिंग लाइन डॉक्टर नीलम अपने आपके लिए, कमर तेरी मस्तानी ने मस्ता दिया मुझको, हुस्न से कितनी अमीर तू कुछ खबर नहीं तुझको, तेरी अखियां शराबी कान के झुमके सेक्स झुमके टाउन में करे खराबी, इश्क मदर पर दे दीना नैना नैना मनाम कुछ दी दी दीना दी दीना वही दी हबीबी वाला। हाँ जी, रनिंग प्रोजेक्ट अभी मैं एक अरबाज़ खान के साथ रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ जिसका टाइटल अभी आई कैन नॉट अनाउंस, एंड रिसेंटली मेरी एक सीरीज़ भी आने वाली है, एंड यस्टरडे एक एल्बम सॉन्ग भी लॉन्च हुआ है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स विल कम सून, विल लेट यू नो। और मे बी हम जल्दी साथ में एक साथ स्क्रीन पर आने वाले हैं। ये अनाउंसमेंट आप कह सकते हैं। Thank you for nice compliment. But once again, this night is for Dr. Neelam, and she has this amazing initiative for these handicapped people. And Dr. Neelam, मेरी तरफ से और हम जितने भी लोग हैं यहाँ पर, हमारे सबकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अमेजिंग इवेंट किया, और इंशाल्लाह हम हमेशा आपको इसी तरह सपोर्ट करते हैं। Thank you so much. God bless. एंड आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, स्क्रीन पर नहीं आते हैं बट आप ही की वजह से हमारी लाइफ चल रही होती है, तो इस दुकान को चलाते रहें, लोगों में हमारी पहचान बनाते रहें। थैंक यू सो मच। और हमें टैग करते रहें। थैंक यू मिस एंड मिसेस रॉय ग्लोबल क्वीन, इसको भी टैग कीजिएगा। एंड या वी हैव डॉक्टर खालिद विद अस टुडे, प्लीज वेलकम डॉक्टर खालिद। डॉक्टर खालिद सर प्लीज। यस सॉरी आई। सो ही यस ये भी आए, इनको क्या पता। मेरे भी आप अली भाई ने जो कुछ कहा वही मैं आई एम एग्री विद दैट। यस डॉक्टर खालिद, ही इज माय ब्रदर, ही इज माय यंगर ब्रदर। थैंक यू सर। डॉक्टर खालिद इज अ वेरी वेल नोन डॉक्टर, और इनके बहुत सारे चेन्स ऑफ हॉस्पिटल्स हैं। ही हैज बीन वर्किंग थ्रू आउट ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम दैट ही इज सपोर्टिंग आवर इवेंट एज वेल। थैंक यू डॉक्टर खालिद फॉर बीइंग आवर चीफ गेस्ट हियर टुडे। अच्छा, मैं सुष्मिता दास हूँ, आई एम फ्रॉम कैनेडा। आई केम हियर ऑल द वे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डॉक्टर नीलम पराडिया एंड गॉट अ लॉट ऑफ लर्निंग फ्रॉम दिस पैजेंट, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट विच इज़ सो
so entertaining and has so much to learn and so many people from Bollywood. So it's a great event where she has good causes like women empowerment as well as helping the handicapped for charity. So blessed to be part of this kind of event. Again, thanking Dr. Neelam Paradia and team for this whole event and making me the Queen of Canada today. Thank you. So I'd like to thank Dr. Neelam Paradia for giving me this inspirational opportunity. My message for all women is to accept all their flaws and imperfections, because in overcoming their challenges, there is strength and there is power. Right? So the world needs more love, kindness, and genuine empathy. So be you, be yourself, and embrace every opportunity. Thank you so much. Namaste. Royal Global Queen or Mr. Royal Global King. We are really thankful to Neetu Arora and team, Prettify by Neetu Arora. Inki team ne aaj hamare sare jo beauties hai unko taiyar kiya hai. Unki team of 12 people were present. Subah 6:30 baje unhone makeup shuru kar diya tha taki semi finale mein sari ladkiyan by 8:30 ready ho jaye. Thank you Neetu, you are amazing. She is also celebrity makeup artist and that's why she has won an award today. Yes. आप उनको कुछ पूछना चाहेंगे मीडिया जी? शी इज़ अ वेरी हेल्पफुल पर्सन एंड हमेशा ये वुमेन एम्पायर के लिए बहुत कुछ करती है. मैं हमेशा इनको सपोर्ट करूँगी. पिछले 3 इयर्स से हम लोग साथ में वर्क कर रहे हैं. गॉड ने चाहा हमेशा इनके साथ वर्क करेंगे. हमारे पैजेंट में बहुत सारी कैटेगरीज थी, जैसे कि मिस थी, मिस ट्रांस वो कैटेगरी भी थी, मिसेस थे और क्लासिक कैटेगरी विच इज़ बिलो 40 एंड 40 to 50 वॉज क्लासिक एंड 50 एंड अबाव. तो बेसिकली वी हैड डिफरेंट कैटेगरीज. मिस ट्रांस में एक ही पार्टिसिपेंट थे जो हमारे सिलेक्टेड फाइनलिस्ट थे. टोटल बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कनाडा से थे, सिंगापुर से थे, ईरान से हमारी शो स्टॉपर थी, बांग्लादेश से हमारी पूरी टीम आई हुई है, अवॉर्डीज है जो फैशन ऑर्गेनाइजर, फोटोग्राफर और दुबई से हमारे लोग आए हैं. तो इस तरह वी आर प्रमोटिंग इंटरनेशनल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. यस एंड थैंक यू नीतू वंस अगेन फॉर विनिंग दिस अवॉर्ड. थैंक यू. ब्यूटी पेजेंट अपने आप में बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है किसी भी फीमेल के अंदर जो खूबसूरती होती है उसे बाहर निकालने के लिए. और ये जो मैडम कर रही हैं रॉयल ग्लोबल क्वीन, ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हाउसवाइफ जो होती हैं वो अपने आप को बाहर लेके आती हैं और अपने को प्रेजेंट कर पाती हैं. हमारे अंदर आई एम अ हाउसवाइफ और मैं जैसी थी आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, तो आई हैव चेंज अ लॉट. तो मैंने जब स्टार्ट किया और वहाँ से अब तक का जो परिवर्तन है वो लोगों को दिखाई देता है और उसी कारण से आज मैं पार्टिसिपेंट से जूरी तक का सफ़र तय कर पाई हूँ. तो ये डेफिनेटली एक पेजेंट के कारण ही हुआ है और ये पेजेंट ने रॉयल ग्लोबल क्वीन ने मुझे बहुत कुछ दिया है. सो दिस इज़ अ रियली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर एवरी वुमेन एंड फॉर मी टू. थैंक यू. अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हैंडीकैप पीपल के लिए. और मैम ने मुझे दो दो चीज़ों से क्राउन किया है. मैं बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर एनकरेजिंग अस एंड फॉर एम्पावरिंग अस. थैंक यू सो मच नीलम. थैंक यू. Hi guys, this is Gautam Goswami. I am into real estate. Actually, I've just won the award for Royal Global King. It was a very superb experience. We have been here for 2 days. They have groomed us a lot. It was superb fun and like good time. Thank you. This is Tanisha Rafiq Urmila. I'm from Bangladesh. I came here for this. And yes, as he said, it was so good. And I was enjoying. So yes, this is the happiness I got it. Thank you. मैं ये पैजेंट से 3 साल से एसोसिएटेड हूँ और मैं इमेंसली ग्रेटफुल हूँ डॉक्टर नीलम पराडिया का कि उन्होंने मुझे ये मंच दिया. मैं काफ़ी खुश हूँ कि कंटेस्टेंट्स ने मेरी सलाह ली
और सबके स्टाइलिंग जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्टाइल किया है, जो कपड़े पहने हैं, एक्सेसराइज किया है, द वे दे हैव पोज्ड, इट मेक्स मी रियली प्राउड एंड हैप्पी टू सी कि उन्होंने जो भी मैंने सिखाया उसको अमर किया. इसके अलावा मैं एक स्टाइलिस्ट भी हूँ. मैंने हनी सिंह के लिए एक स्टाइलिंग शूट किया था फॉर हिज म्यूज़िक वीडियो जाम, और मेरा एक खुद का एथनिक वेयर ब्रांड भी है ध्वनि पराड़िया के नाम से, जिनका मैं गाउन्स और लहंगेज और ब्राइडल वेयर करती हूँ. तो दिस इज़ अ रियली गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई करियर, सो टू मोर अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू. फ़ाइदा वाफिक मोहम्मद शेख है और मैं सोशल वर्क करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं ये काम करती हूँ और मुझे ये अवार्ड्स मिला है. थैंक यू फॉर टॉपिक.